अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे आप कतर का वीजा चेक कर सकते हैं। कतर का वीजा चेक करने का एकदम आसान है, कोई भी इंशाल्लाह चेक कर सकते हैं आपका वीजा नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर से। तो कैसे चेक करना है देखिए, चेक करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करके लिखना है कतर वीजा चेक, QATAR कतर VISA CACK। देखिए कतर वीजा चेक, उसके बाद आपको सर्च करना है आपका मोबाइल नहीं तो लैपटॉप से। सर्च करने के बाद देखिए ऐसा एक पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये देखिए फास्ट वाला जो है, देखिए portal.moi.gov.gov.ke कतर, ये कतर वेबसाइट है। ये आपका कतर, देखिए कतर वीजा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्ट ऐसा एक पेज ओपन होगा। ये कतर गवर्नमेंट का वेबसाइट है। देखिए इधर स्टेट ऑफ कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, स्टेट ऑफ कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर देखिए। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप आपका ट्रैफिक जो ग्रामा है वो भी चेक कर सकते हैं, ट्रैफिक फाइन, आपका वीजा सर्विस चेक कर सकते हैं, एग्जिस्ट री एंट्री परमिट, रेसिडेंसी परमिट इंक्वायरी और अदर इंक्वायरी बहुत सारे है। तो इसमें आपको देखिए वीजा सर्विस, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ओपन होगा। वीजा सर्विस में आप वीजा चेक कर सकते हैं आपका वीजा नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर से। दूसरा देखिए एग्जिस्ट एंट्री परमिट और रेसिडेंसी इंक्वायरी, इसमें रेसिडेंसी इंक्वायरी आप क्लिक करेंगे ना, आपका कतर जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड नंबर और आपका जो आईडी कार्ड एक्सपायर होगा कौन सा तारीख में वो डेट देना है, देने के बाद आपका चेक हो जाएगा। देखिए इधर ये देखिए परमानेंट रेसिडेंसी एलिजिबिलिटी इंक्वायरी, इसमें आपको क्लिक करना है। देखिए पूरा बायोडाटा आएगा। ये देखिए QID कतर आईडी, यहाँ पे आपका कतर आईडी नंबर देना है और रेसिडेंसी एक्सपायरी डेट, आपका कौन सा तारीख में आपका कतर आईडी कार्ड का एक्सपायर हो जाएगा, ये डेट यहाँ पे डेट मंथ देना है। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड। तो अभी मैं तो दिखाऊंगा वीजा कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको वीजा सर्विस में क्लिक करना है, तो आपको तो अभी क्लिक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले पेज ही वही आएगा, इसलिए मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर जाना पड़ा फिर बैक आना पड़ा है। देखिए इधर वीजा सर्विस जब क्लिक किया हो, देखिए वीजा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट आपको ये अभी जो सर्च होके आएगा ये पेज ही आएगा। देखिए यही आएगा, फास्ट वाला आप सर्च करेंगे ना ये वीजा सर्विस, डायरेक्ट ये पेज ही आएगा और आप देखेंगे तो जैसे मैं किया ऐसा आएगा। तो अभी यहाँ पे वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर कोई भी एक दे देना है और नेशनलिटी। तो अभी मैं वीजा नंबर से चेक करता हूँ कैसे आप वीजा नंबर से चेक कर सकते हैं। तो वीजा नंबर से चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक वीजा नंबर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं वीजा नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप ये पासपोर्ट नंबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीजा नंबर दे देता हूँ 38201375। देखिए ये मेरा वीजा नंबर दे दिया हूँ और उसके बाद आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडिया का, पाकिस्तानी का, इंडोनेशिया, कोई भी देश आपका, कोई भी देश जो आपका कंट्री है, आपको यहाँ पे आपका कंट्री दे देना है और आपका वीजा नंबर। तो वीजा नंबर तो मैं दिखाया पहले, वीजा नंबर फर्स्ट पहले वीडियो का पहले वीजा नंबर कहाँ रहता है मैं दिखाया। अभी मैं चेक करूंगा बांग्लादेश वाला, तो यहाँ पे मैं बांग्लादेश सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए वीजा नंबर दे दिया और नेशनलिटी बांग्लादेश दे दिया, आपका जो आपका देश है आपका कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम द पिक्चर और ऑडियो, आप सुन भी सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे
ये 933 आपका ये अलग अलग कोड आएगा, आपका जो कोड आएगा आप जितना बार चेक करेंगे उतना बार अलग अलग कोड आता है इधर। तो मेरा यहाँ पे आया 933 933। उसके बाद और कोई काम नहीं है, अभी आपको सबमिट में क्लिक करना है। देखिए इधर सबमिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैं सबमिट में क्लिक कर दिया हूँ, अभी वीजा चेक होके आएगा। ये देखिए वीजा नंबर, नेशनलिटी बांग्लादेश, वीजा वैलिडिटी, ये वीजा एक्सपायर होगा। देखिए द वीजा इज एक्सपायर्ड, वीजा स्टेटस ट्रांसफर टू रेसिडेंट, ये चला गया कतर से। ठीक है, तो ये तो एक्सपायर हो गए ये वीजा, लेकिन आपका जो वीजा नंबर सब चेक करेंगे और पासपोर्ट नंबर सब चेक करेंगे आप स्टम्प होने के बाद, तो आपका पूरा डिटेल्स जो बायोडाटा है मैं फास्ट में जैसे दिखाया ऐसा आ जाएगा। देखिए आपको पूरा सेम ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चेक कर लेना भाई। आज यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।